रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। कांतिसिता मृषति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभां वृंदावने पिकृत यामुन गांग संगम राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदों तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जगन्नाथ जय बलदेव। जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीता राम नाम महाराज की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। सपरिकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री नीलाचल धाम की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय।
श्री योगिनी एकादशी महारानी की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंतश्री समलंकृत योगिराज ब्रह्मर्षि पूज्यपाद श्री देवराह बाबा जी महाराज की जय। उनकी पुण्यतिथि महोत्सव की जय। परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय। ये महापुरुष हैं काश्मीरी बाबा जी और ये पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज। परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुदरी श्री गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ में श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में एवं समस्त आचार्य वृंदों की गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में संतों की महापुरुषों की गुरुजनों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। आज हम अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं इस पवित्र एकादशी के महापर्व पर। परम पूज्य श्री मिश्री जी गुरु जी विराजमान हैं। गुरु जी के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं एवं हम सबके परम सौभाग्य से परम पूज्य भक्तमाली जी महाराज श्री शरणागत वाले महाराज जी अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी बिहारी दास जी भक्तमाली जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। उनके चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं और वे तो ठीक समय से 5 बजे ही यहाँ पहुँच गए थे लेकिन इस समय कुछ ऐसी लीला ठाकुर जी की चल रही है ब्रज में और पूरे देश में कि उस लीला के संबंध में ही अनेक महानुभाव लगे हुए हैं समाधान की दिशा में। तो कुछ इस कारण से भी कुछ विलंब हुआ। विलंब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अकारण विलंब नहीं था सकारण था नहीं तो लगभग 5 बजे यह गोष्ठी नित्य प्रति आरंभ ही हो जाती। श्री नैयायिक गुरुजी भी आ गए तो थोड़ा समय उसमें भी चला गया। तो अब जो भी समय हम लोगों के पास शेष है उस समय में हम लोग भगवत चर्चा करके अपनी वाणी को और अपने समय को सार्थक करें। बहुत अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है पर दास का एक ही निवेदन है कि जैसे
पंचम वेद महाभारत और 17 पुराणों के प्रणयन के पश्चात जब भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत जैसी वैष्णव संहिता को प्रकट किया तो उनके मन में पूर्ण संतोष हुआ। जीवों के कल्याण के लिए मेरे द्वारा जो कुछ किया जाना चाहिए था अब वह भगवत कृपा से हो चुका है, तो इसके बाद व्यास जी ने कुछ लिखने की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया। नहीं तो 400,000 से ऊपर श्लोकों का प्रणयन करने वाले व्यास जी, जिसको लिखने का अभ्यास बन जाता है फिर एक अभ्यास में आ जाता, बिना लिखे रहा नहीं जाएगा। तो अब कुछ लिखने की आवश्यकता का अनुभव व्यास जी को नहीं हुआ। ऐसे ही दास को लगता है कि इस कलिकाल में जीवों के परम कल्याण के लिए एक मनुष्य की कमजोरियां भीतर की कितनी हो सकती हैं और उन कमजोरियों के कारण, उन न्यूनताओं के कारण वह अब तक कृतार्थ नहीं हो पाया, अब तक कृतकृत्यता का अनुभव नहीं हो पाया, तो वे कमियां हमारे जीवन से कैसे दूर हों, उन न्यूनताओं की निवृत्ति कैसे हो, क्योंकि उसके बिना न तो विशुद्ध ज्ञान मिलेगा ना ही विशुद्ध प्रेम मिलेगा, और इसके बिना जीव कैसे अपना कल्याण कर सकेगा। तो विनय पत्रिका के प्रणयन से वह कार्य हो गया। इसलिए विनय पत्रिका की रचना के बाद गोस्वामी जी ने अपने आप को कृतकृत्य और कृतार्थ माना। हमारी एक प्रार्थना अवश्य है, वैसे तो पूज्य करह वाले महाराज जी का कहने का प्रयोजन ये है, परम पूज्य श्री पटियावारे बाबा सरकार के शिष्य जिन्हें पूज्य बक्सर वाले मामा जी करह बिहारी सरकार कहते थे, अनंतश्री समलंकृत श्री स्वामी रामदास जी महाराज, जीवन पर्यंत उन्होंने विनय पत्रिका का आश्रय लिया और वे 11 पद नित्य ही श्रवण करते थे, नियम था उनका, और सबको वे निर्देशित भी करते थे कि 11 पद रोज पढ़ना चाहिए, और उनका ऐसा मानना था कि कोई कामना हो तो कामना की पूर्ति तो हो ही जाएगी, कथनचित कोई पूर्ण निष्काम भाव से करेगा तो सद्यः शरीर संसार से वैराग्य और युगल सरकार के चरण कमलों में अनुराग, ये दोनों चीज़ें एक साथ उसे मिल जाएंगी, वो कृतार्थ हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। और पूज्य बक्सर वाले मामा जी महाराज उनका स्मरण करके ये बात बताया करते थे। तो हम इस परिप्रेक्ष्य में इस बात का स्मरण कर रहे हैं कि श्री जानकी वल्लभ लाल जी की कृपा से श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें स्वर्ण स्मृति तिरोभाव महोत्सव में हम लोगों ने ये चर्चा आरंभ की, और महाराज जी ये चर्चा केवल 3 दिन के लिए हरिद्वार में होनी थी पूर्व निश्चय के अनुसार, केवल 3 दिन के लिए, क्योंकि 50 वर्ष हो रहे हैं, पूरा परिकर हरिद्वार में श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का उत्सव मनाना चाहता था, और इस उत्सव में 3 दिन का दास का प्रवचन, 2 दिन का विनय पत्रिका पर प्रवचन था। उसके पहले एक बार संकीर्तन मंदिर राजकोट में 10 दिन का विनय पत्रिका पर प्रवचन हो चुका था, क्योंकि पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज उनका इष्ट ग्रंथ ही विनय पत्रिका था। उन्हें जब गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी की प्राप्ति हुई और वो पहली और अंतिम प्राप्त मिलन था, चातुर्मास में उनकी सन्निधि में रहे
और जब चातुर्मास्य पूर्ण हुआ तो पूज्य बाबा जी जाने लगे। आपने कहा हम भी साथ रहेंगे आपके। कहा नहीं, हमारा तुम्हारा इतना ही संग था, हो गया पूरा। अब हमारा दर्शन पुनः तुम्हें नहीं होगा। ये अत्यंत व्याकुल हुए। एक ब्लैक एंड भाई छोटा सा पासपोर्ट साइज का फोटो उनको दिया और एक विनय पत्रिका की पोथी। पूज्य काश्मीरी बाबा जी ने अपने शिष्य प्रेम भिक्षु जी महाराज को दी और देने के साथ एक वाक्य कहा कि कलिकाल में समर्थ सद्गुरु दुर्लभ हो जाएंगे। जो जीवों का परम कल्याण कर सकें, आश्रित का परम कल्याण कर सकें, ऐसे समर्थ सद्गुरु नहीं मिलेंगे। ये तो नहीं कहा जा सकता, पर दुर्लभ हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में किसी समर्थ सद्गुरु का आश्रय साधक को न मिले तो वह क्या करे। कहते इस समस्या का समाधान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका के रूप में किया है। विनय पत्रिका का यदि कोई साधक आश्रय लेता है तो विनय पत्रिका वही कार्य करती जो समर्थ सद्गुरु कार्य करते हैं। तो कहा मैं विनय पत्रिका के रूप में अपने आप को ही दे रहा हूँ, जो कुछ पूछना हो इसी से उत्तर मिल जाएगा, जो कुछ समझना हो इसी से समझ लिया जाएगा। कहकर बाबा जी चले गए और श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने विनय पत्रिका का आश्रय लेकर ही अपने संपूर्ण जीवन को श्री राम नाम को समर्पित कर दिया। प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन उन्होंने प्राप्त किया और विनय पत्रिका से उनका इतना प्रेम था कि उन्होंने अपनी वसीयत में अंतिम इच्छा में लिखा कि मेरा शरीर शांत हो जाने के बाद भी जब द्वारिका धाम में गोमती सागर संगम में हमारी जल समाधि दी जाए तो उस काल में भी विनय पत्रिका को मुझसे पृथक न किया जाए। मेरी छाती पर विनय पत्रिका को विराजमान करके बांध करके तब जल समाधि दी जाए। यह उनकी अनुपम जो विनय पत्रिका के प्रति श्रद्धा और निष्ठा थी उसका यह परिणाम था। तो ठाकुर जी किस माध्यम से करुणा करते हैं, कोरोना के माध्यम से ही करुणा भगवान की बरस गई हम सबके ऊपर। कहाँ तो दो ही दिन का विनय पत्रिका का प्रवचन होता और अब लगभग दो महीना हो जाएगा, अगली एकादशी आएगी जैसे ही। ये हो गया अभी नहीं हुआ, दो हो गए, वाह। वैशाख एकादशी से आरंभ हुआ था ये, वैशाख शुक्ल एकादशी से। हाँ हैं, इतने प्रिय राम जी के कि राम जी ने अपने आप को हनुमान जी पर न्यौछावर कर दिया। जब श्री राम कार्य संपन्न करके हनुमान जी रघुनाथ जी के चरणों में आए और सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी श्री रघुनाथ जी ने देखा कि श्री हनुमान जी परम निष्काम है, उनको कुछ नहीं चाहिए। ये उस कोटि के हैं सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। इस कोटि के सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्व, ये समस्त प्रकार के मोक्ष हम अपने निष्काम भक्तों को देना चाहते हैं पर दीयमानं न गृह्णन्ति, हम देते हैं वो लेते नहीं हैं। क्यों? उन्हें हमारी सेवा में इतना स्वाद आने लग जाता है, इतना सुख मिलने लग जाता है
वो कहते हैं महाराज हम मोक्षोक्ष जानते नहीं, हमें तो आपकी सेवा प्रिय है। यदि मोक्ष की प्राप्ति में हम सेवा से वंचित हो जाएं तो हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमें आपकी सेवा चाहिए। हनुमान जी का प्राण ही सेवा है। हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि हनुमान जी के प्रादुर्भाव का हेतु क्या है। बहुत प्रसिद्ध है, जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। ये तो है ही, इसमें कोई निषेध नहीं है, विरोध नहीं है। पर दास को ऐसा लगता है कि जिस सेवा धर्म के संबंध में हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा, आर्ष वचन है सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य। सेवा धर्म इतना गहन है, इतना गहन है, गहन का अर्थ इतना सूक्ष्म है कि जो योगी हस्ता मलकवत पिंड और ब्रह्मांड के समस्त भेदों को जान सकते हैं। ये योगी नहीं कि आंख मूंद के फोटो खिंचा लिया हो गए योगी, आंख मूंद के समाधि लगाने वाले योगी तो हम भी हैं, ऐसे बैठ जाएं, फोटो चला जाएगा, महाराज की समाधि लग गई, निर्विकल्प समाधि लग गई, पर फोटो खिंचाने वाले योगी नहीं। वस्तुतः जो योगी हैं, योगियों की सामर्थ्य सामान्य नहीं होती है। गुरुजी लिंग पुराण में एक बात आई कि महर्षि दधीची ने भगवान नारायण को योग बल से अपने संपूर्ण शरीर में ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। अब भगवान की भगवत्ता क्या है? भगवान की भगवत्ता यही है कि दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिमे योगमईश्वरम। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने योगेश्वरी का दर्शन कराते हुए सारे ब्रह्मांड का अपने में दर्शन, यही विश्वरूप भगवान है, अनेक बाहु दर्वक्त्र, ये भगवान के स्वरूप का दर्शन अर्जुन को हो गया। तो जो विश्वरूप दर्शन भगवान ने अर्जुन को कराया, वही विश्वरूप दर्शन अपने शरीर में महर्षि दधीची ने भगवान नारायण को करा दिया। ये लिंग पुराण में भी ये बात आई है, स्कंद पुराण में भी ये बात आई है, और शिव पुराण में भी ये बात है। तीन की तो स्मृति दास को है। क्योंकि सिद्धांत है जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे। इसलिए समस्त लोकों का अनुभव, समस्त देवी देवताओं का अनुभव अपने चक्रों में योगी पुरुष कर लेते हैं, और वे इतनी सामर्थ्य से संपन्न होते हैं। एक छोटी सी बात बता दें आपको, धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया महाभारत युद्ध के पश्चात, एक अश्वमेध पर्व भी है और एक जैमिनी अश्वमेध भी है। तो जैमिनी अश्वमेध की कथा है कि एक ऋषि के आश्रम में युधिष्ठिर का घोड़ा अंतर्धान हो गया, गायब हो गया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अश्वरक्षा में थे, तो अर्जुन ने कहा महाराज तो बड़ी समस्या हो गई, अश्वमेधी अश्व ही अंतर्धान हो गया, अब कैसे होगा, धर्मराज का यज्ञ कैसे पूर्ण होगा, कहीं दिखाई नहीं पड़ता घोड़ा कहाँ गया। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, पर भगवान लीलाधारी हैं, तो भगवान ने कहा ये महात्मा बैठे हैं इनसे ही पूछ लेते हैं। तो उन ऋषि के चरणों में भगवान ने, अर्जुन ने, दोनों ने नमस्कार किया, प्रणाम किया।
भगवान का उन्होंने अर्घपाद्यादि से स्वागत किया। कहा बड़े पधारे आप, कैसे पधारे? भगवान ने कहा मेरे मित्र अर्जुन हैं, धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हैं, यज्ञ कर रहे हैं अश्वमेध, और उनका अश्वमेध ही अश्व आपके आश्रम की सीमा में आते ही पता नहीं कहाँ चला गया, तो आप कृपा करके बतावें कि वो अश्वमेध अश्व कहाँ गया है, क्योंकि उसके बिना धर्मराज यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते। तो वे महात्मा हंसे और उन्होंने कहा कि वह अश्व इस शिला के भीतर है। एक पत्थर था आश्रम में, एक शिला थी, बोले इसके भीतर में घोड़ा है। अब हम आपसे पूछते हैं कि इतना बड़ा कोई पत्थर हो और इतना लंबा चौड़ा घोड़ा, हम कहें कि घोड़ा इस पत्थर के भीतर है, तो हमको यही समझा जाएगा कि इनका दिमाग खराब हो गया है। इतना विशाल अश्व एक छोटी सी शिला के भीतर कैसे हो सकता है? तो अर्जुन को संदेह हो रहा था, ये महात्मा क्या बोल रहे हैं कि घोड़ा और पत्थर के भीतर चला गया, शिला के भीतर चला गया, ये क्या बात? तो भगवान ने इशारा किया, अर्जुन ने कहा महाराज आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई, इतना विशाल अश्व इस छोटी सी शिला में कैसे जा सकता है? हम अज्ञानी हैं, आप कृपा करके इसका रहस्य समझावें। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक पुत्र है, वैसे तो बड़ा तपस्वी है, पर एक समय की बात है, एक राजकुमार यहाँ से फौज पलटन के सहित निकला, तो उसको देखकर इसके मन में राज भोगों को भोगने की इच्छा उत्पन्न हो गई, और ये भोग भोगने की इच्छा पुनर्जन्म का कारण बनती, इसलिए मैंने विचार किया कि इसकी इच्छा इसी जन्म में पूर्ण हो जाए, इसके कारण इसको दोबारा जन्म न लेना पड़े। तो मैंने अपने योग बल से इस शिला के भीतर एक जगत की रचना कर दी, एक संसार रच दिया, और उस संसार का राजा अपने पुत्र को बना दिया। तो वहाँ वह धर्म पूर्वक पालन कर रहा था, यदा कदा आकर मुझे प्रणाम करने आता है, आज प्रणाम करने आया था, आपका घोड़ा उसको बहुत अच्छा लगा तो घोड़ा लेकर भीतर चला गया, अपने राजधानी में चला गया। और आश्चर्य कि हम तो यही सोच रहे थे कि घोड़ा कैसे घुसा और पूरा संसार ही इसके भीतर रच दिया, ये कैसे हो गया? तो महात्मा ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। अब देखो, तो महाराज जी देखा तो शिला के भीतर गंगा, जमुना, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पाताल, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सब कुछ था उसके भीतर, और खूब जैसे जनता खूब आश्चर्य। महाराज विचित्र बात है, बिल्कुल जैसे आजकल वो टीवी में सब दिखाई पड़ता है, ऐसे टीवी जैसा बन गया वो शिला, वो सब दिखाई पड़ने लगा, उसके भीतर घोड़ा भी दिखाई पड़ा। अब महाराज हमारे भैया का यज्ञ तो पूर्ण होना चाहिए, बोले हाँ होगा। आपने पुत्र को बुलाया, बेटा अश्व के सहित मेरे सामने उपस्थित हो। तो पुत्र अश्व के सहित उपस्थित हुआ और महात्मा ने कहा कि देखो, मृत्यु लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक सारे भोग सारे विषय अत्यंत तुच्छ ही हैं, भोगत्वेन सभी भोग एक जैसे हैं। मनुष्य सोचता है कि सुअर कुत्ते आदि के भोग हमारी दृष्टि में तो अत्यंत नारकीय हैं, घृणित हैं, तो जो बात हम सुअर कुत्ते आदि के बारे में सोचते हैं वही बात देवता मनुष्यों के बारे में सोचते हैं। पर सच्ची बात यह है कि भोग भोगने के क्षण में जो स्वाद सुअर कुत्ते आदि को आता है
वही स्वाद मनुष्य को अपने भोगों को भोगने में आता है, वही स्वाद देवताओं को आता है। इसलिए सरिस स्वान भगवान युवानु, ये गोस्वामी जी ने चौपाई में कहा। सरिस स्वान भगवान युवानु, सरिस माने समान, युवान माने युवा मनुष्य, भगवान माने इंद्र और स्वान माने कुत्ता। कुत्ते के भोग, जवान मनुष्य के भोग और इंद्र के भोग सब बराबर है। तो देखो बेटा, अब तुमने सब जी जी तो वैशाख शुक्ल एकादशी से आरंभ हुआ था और आज आषाढ़ कृष्ण एकादशी है, लगभग डेढ़ मास हो रहा है। और अभी डेढ़ मास ही नहीं, गुरु पूर्णिमा तक भी यही चलेगा और श्रावण भादों में भी गौ माता की सन्निधि में बैठकर यही चलेगा। एक पूज्य हर्षण कुंज वाले महाराज जी के कृपा भाजन हैं, बहुत अच्छे संत हैं, नाम रूप लीला धाम निष्ठ पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज अयोध्या जी में हर्षण कुंज में विराजते हैं और सरकार की अंतिम क्षण तक सेवा का सौभाग्य उन्हें मिला। वे इस समय तो बहुत वृद्ध हैं, तो अयोध्या जी में जब हम गए तो उन्होंने रो करके ये बात कही कि आपने जो 10 दिन का प्रवचन किया था उसे बहुत बड़ी संख्या में लोग भजन में लग गए, बहुत लाभ मिला। मैं बड़ा बूढ़ा हूँ, कब चला जाऊँगा कोई ठिकाना नहीं है। मेरी एक ही आपसे प्रार्थना और याचना है कि आप विनय पत्रिका को कैसे भी करके क्रमशः पूरी कर दीजिए, इससे लोगों का बड़ा हित होगा। तो वो बात हमारे चित्त में थी और बार बार हमको उनकी वह भाव भंगिमा और उनकी वह याचना स्मृति पटल में आती थी। और मन तो ऐसा था जिसमें उन्होंने कहा था कि सब छोड़ के पहले इन्हीं की इच्छा पूरी कर दें, लेकिन वो योग नहीं बन पाया। अब भगवान ने इस ब्याज से योग बनाया है। तो भगवत कृपा से सावन भादो महीना में भी ये चलेगा। और जहाँ तक है पूर्ण हो जाएगा, कथनचित पूर्ण नहीं हुआ तो करना ही क्या है, और आगे चलेगा। पर ये मन है कि श्री ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि निर्विघ्न रूप से विनय पत्रिका के अंतिम पद तक हम लोग चर्चा कर सकें, ऐसा भाव मन में है। जब जैसा जहाँ जैसा संयोग बनेगा उसके अनुरूप हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हमारा मन था कि पूज्य भक्तमाली जी कुछ कह दें दो शब्द, नहीं। अच्छा, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी का स्मरण स्तवन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 12 पदों में किया है और कई दिनों से वही प्रकरण चल रहा है। आज पद संख्या 33 है। तो पहले हम पद का स्मरण कर लेते हैं फिर चर्चा करेंगे। समरथ सुवन समीर के रघुबीर प्यारे, समरथ सुवन समीर के रघुबीर प्यारे, मो पर कीवी तो ही जो
करी ले ही भियारे मो पर कीवी तो ही जो करी ले ही भियारे तेरी महिमा ते चले चिंचिनी चियारे तेरी महिमा ते चले चिंचिनी चियारे अंधियारो मेरी बार क्यों त्रिभुवन उजियारे अंधियारो मेरी बार क्यों त्रिभुवन उजियारे केही करनी जन जानी के सन्मान किया रे जन जानी के सन्मान किया रे केही अघ अवगुण आपने कर डारी दिया रे केही अघ अवगुण आपने कर डारी दिया खाई खोची मांगी में तेरो नाम लिया रे खाई खोची मांगी में तेरो नाम लिया रे तेरे बल बलि आजुलो जग जागी जिया रे तेरे बल जग जाग जो तो सो हो तो फिरो मेरो हे तू ही यारे हे तू ही यारे तो क्यों बदन दिखाव तो कही बचन यारे तो क्यों बदन दिखाव तो कही बचन यारे तो सो ज्ञान निधान को सर्वज्ञ बियारे निधान को सर्वज्ञ बियारे हो समुझत साईं द्रोह की
गति छारे छियारे हो समुझत साई द्रोह की। तेरे स्वामी राम से स्वामिनी सियारे, तेरे स्वामी राम से स्वामिनी सियारे, तहां तुलसी के कौन को काको तकियारे, तहां तुलसी के कौन को काको तकियारे, समरथ सुवन समीर के रघुबीर प्यारे, समरथ सुवन समीर के रघुबीर प्यारे, रघुवीर प्यारे रघुवीर। आहा क्या कहना, एक एक शब्द में कैसा रस भरा हुआ है। संबोधन है रघुवीर प्यारे, हे श्री राम जी के अत्यंत प्रिय, लिया है इन भोगों में कोई सार नहीं है, यही जीव को संस्कृति के चक्र में दुख के समुद्र में डालने वाले हैं। तुम मेरे पुत्र हो, अब तुम जो है इस अज्ञान से विजृंभित इस संसार को तुम त्याग दो, शरीर संसार के प्रति जो तुम्हारा अध्यास हो रहा है इसको समाप्त करो, और ये परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पुराण पुरुषोत्तम हैं, इनका आश्रय लो और भीतर से निश्चय कर लो संसार के भोगों के त्याग का। ऋषि पुत्र तो था ही, उसको तत्काल बोध हो गया, उसने कहा पिताजी हमने सब कुछ त्याग दिया और ये अश्व इनका ये समर्पित है, घोड़ा समर्पित है। वो ऋषि पुत्र जैसा हो गया और उन महात्मा ने संकल्प किया तो शिला के भीतर रचे हुए जगत में प्रलय हो गया। अब बोलो वो सृष्टि करने में समर्थ योगी, पालन करने में समर्थ, प्रलय करने में समर्थ, ये कोई सामान्य बात है? फिर भगवान श्री कृष्ण योगी नहीं है, वो योगेश्वर है। यत्र योगेश्वर है कृष्णो, तो योगेश्वर की सामर्थ्य कैसी होगी? इसलिए रास पंचाध्यायी में राधा कृष्ण जी महाराज रास पंचाध्यायी में यह आया है, इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयम गोपी ही आत्मा रामोप्यरी रमत। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वरेश्वर कहा गया। एक जीव में योग से युक्त होने पर इतनी सामर्थ्य आ सकती है तो परब्रह्म परमात्मा में कितनी सामर्थ्य, उसका कोई पैमाना नहीं है। इसलिए तो भगवान नेति नेति कह करके भगवान का गुणानुवाद का वर्णन करते हैं, न इति न इति, इतना ही नहीं इससे अनंत गुणित है। भगवान की महिमा की कोई इयत्ता नहीं है, बस इतना इतना नहीं है। जिने ही न सपने हूं खेद बरनत रघुवर विशद जस, ऐसे समर्थ योगी जो इतनी सामर्थ्य रखते हैं
वे भी सेवा धर्म की महिमा नहीं समझ सकते। उनके लिए भी सेवा धर्म गहन नहीं, परम गहन योगिनाम अप्यगम्य। योगी नाम में बहुवचन है, एक योगी दो योगी नहीं, सब पूरे ब्रह्मांड के योगियों के लिए भी अगम है। जिन योगियों के लिए कुछ भी अगम नहीं है उनके लिए सेवा धर्म की महिमा समझना अगम है। तो भगवान सदाशिव के मन में विचार आया कि शिव विरिंचुनुतम शरण्यम। शिव विरिंचुनुत भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम प्रकट हो रहे हैं, तो क्यों ना इनकी सेवा के ब्याज से इस सारे ब्रह्मांड के साधकों को सेवा धर्म का स्वरूप क्या है ये हम समझावें। तो दास को ऐसा लगता है कि योगियों के लिए भी अगम जो सेवा धर्म है, उस सेवा धर्म को अपने चरित्र के माध्यम से समझाने के लिए भगवान शिव हनुमान जी के रूप से अवतरित हुए। और दास की विनम्र प्रार्थना है, कोई भी व्यक्ति यदि सेवा करना चाहता है ईमानदारी से, माता पिता गुरु भगवान गौ ब्राह्मण किसी की भी सेवा करना चाहता है, यदि कोई मनुष्य सेवा करना चाहता है तो उसे केवल और केवल हनुमान जी से ही प्रेरणा सेवा की लेनी चाहिए। सेवक की सबसे पहली शर्त है क्रिया त्यागे अपनी रुचि। क्या? क्रिया त्यागे अपनी रुचि, अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दे, पहली शर्त है, यही सबसे कठिन है। सेवक स्वामी की रुचि का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, सेवक स्वामी की रुचि का ध्यान नहीं रखता अपितु स्वामी के द्वारा अपनी रुचि को पूरी करवाना चाहता, हमारी रुचि पूरी हो। अच्छा एक विचार करो कि सारी समस्या के किस कारण से है? ये पहला जन्म तो नहीं है और ये सूची किसी के पास उपलब्ध नहीं है कि इसके पहले कितने जन्म हो चुके हैं, ये पहला जन्म तो नहीं है। तो इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा कि इतने जन्म हुए, असंख्यों जन्म हुए, पर हम कृतकृत्य क्यों नहीं हुए, हम कृतार्थ क्यों नहीं हुए, हम इस संस्कृति के चक्र से मुक्त क्यों नहीं हुए, ये प्रश्न करना चाहिए अपने आप से। तो इस प्रश्न का एक ही उत्तर होगा कि हमने अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ा नहीं। ये हमारे द्वारा अपनी रुचि से किए गए शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम ही ये हमारा संस्कृति का चक्र है। हम ये नहीं कहते विहित कर्म निषिद्ध, निषिद्ध कर्म विहित कर्म भी, निषिद्ध कर्म तो पुनर्जन्म का कारण है ही, क्या विहित कर्म पुनर्जन्म का कारण नहीं है? विहित कर्म भी पुनर्जन्म का कारण है। इसलिए पाप और पुण्य दोनों ही बंधन है। तो शुभ कर्म किए तो वो भी स्वेच्छा पूर्वक किए, अशुभ कर्म किए तो वे भी स्वेच्छा पूर्वक किए, और ये स्वेच्छा पूर्वक किए गए शुभाशुभ कर्मों का ही परिणाम वर्तमान जन्म है। और ये शुभाशुभ कर्म स्वेच्छा पूर्वक किए जाते रहेंगे तो लंबी चौड़ी बातें चाहे जितनी बना लो, उसका परिणाम भोगने से हम बच नहीं सकते, उसका परिणाम बार बार मरना पड़ेगा, बार बार पैदा होना पड़ेगा। तो यदि हम ईमानदारी से यह सोच लें कि अब अपनी रुचि से काम नहीं करना, गुरु गोविंद की रुचि में ही अपनी रुचि को मिला करके रखना है, तो हम समझते हैं यह शरीर अंतिम शरीर होगा, यह जन्म अंतिम जन्म होगा,
फिर इस दुख में संसार में नहीं आना पड़ेगा। हाँ, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष भी आते हैं। क्यों आते हैं? तो गुरुजी के ही वाणी से दास को सुनने को मिला है कि विमुक्ता अपि लीलया शरीरम धृत्वा विग्रहम धृत्वा और हरिम भजन्ति। जो विमुक्त हो चुके हैं वे भी भगवान की सेवा के लिए और पुनः शरीर ले लेते हैं। वो कर्मजन्य नहीं होता है, वो अनुग्रह जन्य होता। जिसकी बात बार बार नाभाजी ने कही है, हैं कि हरिदास हरि निर्मयो है भगवंत रची देही माधव भक्तन हित भगवंत रची देही माधव ग्वाल की, वो भगवती सृष्टि के जीव है। तो वह जन्म भी जन्म के जैसा नहीं होगा। वह जन्म तो न जाने कितने जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला जन्म होगा। तो इसलिए वह जन्म जन्म नहीं है। श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म को आप जन्म मानेंगे? उन्होंने जन्म लेकर रामचरितमानस के रूप में अपनी ग्रंथावली के रूप में पूरे जीव जगत का कितना हित उस काल में किया, और अब जितना समय बढ़ता चला जा रहा है उतना अधिक हित उनके वाणी साहित्य के द्वारा होता चला जा रहा है। पर कई बार बड़ी वेदना भी होती है कि ऐसे पवित्र साहित्य को पढ़ने के बाद भी मनुष्य वर्णाश्रम में श्रद्धा नहीं रख पाता है, सदाचार के प्रति श्रद्धा नहीं रख पाता है। यह अत्यंत पीड़ा की बात है। इसलिए शास्त्र का आश्रय अपने परम कल्याण का संकल्प लेकर के होना चाहिए। जिस ज्ञान से हमें ही लाभ नहीं मिला, उस ज्ञान से आपको लाभ कैसे मिलेगा? तो सेवक की पहली शर्त है क्रिया त्यागे अपनी रुचि, अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दे। हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र में कहीं भी हनुमान जी की अपनी रुचि नहीं दिखाई पड़ेगी, कहीं भी। पूरा रामचरित्र उठाकर देख लो, हनुमान जी की अपनी रुचि कहीं नहीं। और महाराज जी, ऐसा जो सेवक है जिसने अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दिया है, उसका स्वामी के साथ ऐसा तादात्म्य हो जाता है, ऐसा तादात्म्य हो जाता है कि फिर स्वामी और सेवक का भेद भी मिट जाता है। यद्यपि यह बात बड़े ऊंचे स्तर की है। अच्छा, एक बात बताओ, श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी का संदेश जानकी जी को सुनाया, सुंदरकांड रामचरितमानस में देख लो, संदेश सुनाया, वो चौपाई सब आप स्मरण में कर लेना। बस इतना ही हनुमान जी ने कहा, सुनो जननी धर धीर, हे माता जी धैर्य धारण करके सुनिए। और ऐसा कह करके भरे बिलोचन नीर, हनुमान जी की आंखों में आंसू बहने लगे। बस इतना है। इसके बाद कहू राम वियोग तब सीता, तो कहू राम वियोग तब सीता, हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं। हनुमान जी तो यंत्र के जैसे हैं, हनुमान जी के हृदय में हनुमान जी की जिह्वा पर बैठकर सीधा संवाद रघुनाथ जी जानकी जी से कर रहे हैं। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि रामचरित्र उठाकर देख लो, अथवा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उठाकर देख लो, अथवा भगवत कृपा से दास ने
ब्रह्मविवर्त स्कंद पद्म और महाभारत आदि को देखने का अवसर मिला है, पाठ करने का अवसर मिला, तो सब पुराणों में थोड़ी थोड़ी राम जी की चर्चा जरूर है। तो हमें तो स्मृति नहीं है कि कहीं भी हनुमान जी को अलग से बुला के राम जी ने कहा हो कि ये संदेश जानकी जी को दे देना। मुद्रिका दिया और तो इतना अवसर नहीं था कि इतनी भीड़ भाड़ में हनुमान जी को अलग से बिठा करके बुला करके बताया जाता कि आप जाकर ये संदेश हमारा श्री वैदेही को सुना देना, ये नहीं, ये अवसर ही नहीं मिला। तो क्या हनुमान जी झूठ बोले? नहीं, हनुमान जी झूठ भी नहीं बोले। तब बिना राम जी के कुछ बताए समझाए हनुमान जी ने इतना लंबा चौड़ा संदेश कैसे पढ़ दिया? कहू राम वियोग तब सीता मोकल मोकहु सकल भय विपरीता इत्यादि प्रकार से कैसे कह दिया। हनुमान जी यह अच्छी प्रकार से जानते हैं कि यद्यपि सरकार ने कोई संदेश अलग से हमको नहीं दिया है, हमें तो मुद्रिका ही प्रदान की है, किंतु यदि मैं जानकी जी को राम जी का संदेश नहीं सुनाता हूँ तो श्री जानकी जी को संतोष नहीं होगा, उनको समाधान नहीं होगा कि इतनी दूर तक अपने अंतरंग सेवक को भेजा और हमारे लिए दो बात भी नहीं पहुँचाई। कहते ना, हमारी ये बात कह देना तो प्रेमी को थोड़ा संतोष होता तक, चलो हमारे लिए कुछ कहा तो सही है। यही बात तो गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हमारे लिए क्या कहा श्याम सुंदर ने, हमारे लिए क्या कहा, क्योंकि प्रेमी की इच्छा होती है कि हमारा प्रेमास्पद हमारे लिए क्या कह रहा है, संदेश सुनना चाहते हैं। तो श्री हनुमान जी का इतना तादात्म्य हो चुका है रघुनाथ जी से कि माता जी के यह जिज्ञासा करने पर कि प्रभु ने मेरे लिए क्या संदेश दिया है, तत्काल उन्होंने रघुनाथ जी से संपर्क स्थापित किया। अंतर्यामी है ना रघुनाथ जी, तत्काल संपर्क स्थापित किया कि भगवान यहाँ तक का कार्य दास ने आपकी कृपा से किया, अब यहाँ के बाद आप क्या कहना चाहते आप स्वयं ही कृपा कीजिए। तो हनुमान जी तो भरे बिलोचन नीर, हनुमान जी तो बस गदगद होकर के बैठे हैं और स्वयं रघुनाथ जी ही संदेश दे रहे हैं जानकी जी को। क्यों? इसलिए भी यह बात ठीक है क्योंकि हनुमान जी भगवान के प्रति, जानकी जी के प्रति माता पिता का भाव रखते हैं। तो माता पिता का भाव रखने वाला भक्त वह एक प्रियतम के द्वारा, एक धीरोदात्त नायक के द्वारा, एक आर्य पुरुष के द्वारा अपनी परम पतिव्रता प्राण प्रिया को दिया गया संदेश पुत्र कैसे पढ़े, इस भाव का उपासक कैसे पढ़े। इसलिए भी हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हनुमान जी का तो देह है पर हनुमान जी के देह को माध्यम बनाकर उनकी जिह्वा पर प्रतिष्ठित होकर के श्री रघुनाथ जी बोल रहे हैं। क्रिया त्यागे अपनी रुचि, ये इसका परिणाम है। और ऐसा जो सेवक है वो स्वामी को अत्यंत प्रिय हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं समरथ सुवन समीर के रघुबीर प्यारे। आप राम जी को अत्यंत प्रिय हो, राम जी को प्रिय हो, रघुबीर प्यारे समरथ, रघुबीर प्यारे अंतिम में हम समर्थ सबसे आग में है तो इसको हम अर्थ करेंगे तो रघुबीर प्यारे समर्थ। आशय क्या हुआ? आशय ये हुआ कि जो इस प्रकार से राम जी के प्यारे हैं वे ही समर्थ कहलाने के अधिकारी। ध्यान में आई बात? इस प्रकार के भगवान के प्रिय पात्र नहीं बने तो चाहे जितने बड़े देवता हो, चाहे जितने बड़े सिद्ध हो, चाहे जितने बड़े तपस्वी हो, योगी हो, महात्मा हो, आप समर्थ की श्रेणी में नहीं आ सकते। समर्थ वही है जो रघुवीर प्यारे, आप राम जी के प्यारे। पूर्ण तादात्म्य कैसा होता है एक घटना आपको सुना देते हैं।
वर्तमान की घटना सुनाएंगे तो आपका विश्वास ज्यादा पुष्ट होगा। आपने गीता वाटिका गोरखपुर के परम श्रद्धे श्री राधा बाबा के बारे में सुना होगा। वे एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे और उनका जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है, पढ़ना चाहिए साधकों को, ऐसा जीवन चरित्र है उनका। तो पूज्य श्री राधा बाबा, उन्होंने एक साधक को कुछ दिन वृंदावन रह करके भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के षोडश गीतों का अनुष्ठान बताया। भाई जी के षोडश गीत है ना, उनका अनुष्ठान बताया। आप सब उनको जानते रहे होंगे, आपने शायद दर्शन भी किया होगा, हमसे बड़ा प्रेम मानते थे श्री नारायण दास जी, जिनको हम लोग नारायण भैया कहते थे। पवित्र विप्रकुल का जन्म था उनका और बचपन में ही भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की सन्निधि में आ गए थे। जीवन भर ब्रह्मचारी रहे और बड़े अच्छे साधक थे। पूज्य श्री बिणविनोद कुंजवाले महाराज जी की भी खूब कृपा उन्होंने प्राप्त की। तो श्री राधा बाबा ने आज्ञा दी नारायण दास जी को कि तुम वृंदावन चले जाओ और इस पद्धति से तुमको रहना है, नित्य यमुना स्नान करना है, नित्य वृंदावन की परिक्रमा करना है और इस तरह से तुम्हें षोडश गीत बिहारी जी के मंदिर में जाकर के कहीं एकांत में बैठ जाओ, चाहे मंदिर के बाहर बैठ जाओ, निकट बैठ जाओ, कहीं भी बैठ करके आपको ये षोडश गीत का पाठ करना। अब वो आ गए यहाँ। प्रातःकाल उठने से लेके सोने तक की जो नियमावली बनाई थी बाबा ने, उसका वो पालन करने लगे। अब यहाँ एक नया उपद्रव शुरू हो गया। आप लोग अन्यथा नहीं मानना, प्रायः मंदिरों में कोई जप करने या पाठ वाठ करने बैठ जाए तो सेवकों की दृष्टि ये पड़ती है कि ये कहीं कुछ कमाई करने तो नहीं बैठा है, क्योंकि जहाँ भी कहीं दुकानदारी होती है तो उनको लगता है कि हमारा ग्राहक फूट ना जाए, क्योंकि जो राशि हमारे पास आने वाली है वो बिखर जाएगी इधर उधर। इसलिए प्रायः पूजा पाठ से जुड़े हुए लोग वो दूसरे किसी को उसी दृष्टि से देखते हैं। तो वो लोगों ने यही समझा कि ये यहाँ कुछ पोथी खोल के बैठे हैं, माला लेके बैठे हैं कुछ चढ़ोतरी के हिसाब से। वो तो बेचारे इस भाव से थे नहीं वहाँ, तो उनको बैठना मुश्किल हो गया। यहाँ क्यों बैठा, उठ यहाँ, उधर चल, उधर चल, उधर चल। मंदिर के बाहर बैठे वहाँ भी लोगों ने उठा दिया। बड़े दुखी हो गए कि बाबा का आदेश है कि मंदिर में बिहारी जी के मंदिर में सुनाना, वो बिहारी जी के मंदिर में तो हम बैठना हमारा मुश्किल हो, अब क्या करें। तो बाबा ने एक बात और कही थी कि कभी कोई विक्षेप तुम्हारे साधन में आवे तो घनश्याम दास ठाकुर को पूछ लेना, ठाकुर घनश्याम जी उनको पूछ लेना। बाबा के बहुत प्रिय थे ठाकुर घनश्याम जी, तो श्री ठाकुर घनश्याम जी से नारायण भैया ने पूछा कि बाबा की आज्ञा, अब हम क्या करें बताओ। बाबा कहते पूरा समय करके तब आना हमारे पास, ना हम जा सकते और ये साधन तो हमारा बनना बड़ा मुश्किल हो रहा है, हम क्या करें। जैसे तैसे आज का नियम पूरा कर पाए हैं और किसी ने मंदिर में कहे खबरदार यहाँ दर्शन करो जाओ, यहाँ पोथी पत्रा खोल के आसन बिछा के बैठने नहीं दिया जाएगा, ना यहाँ बैठ सकते ना बाहर बैठ सकते, अब हम क्या करें बोलो। तो ठाकुर घनश्याम जी बोले कि बाबा की क्या आज्ञा है यह हम आपको कल बताएंगे, आप कल सवेरे हमारे पास आना हम बता देंगे। सवेरे ही पहुंच गए, बाबा की क्या आज्ञा है। बोले बाबा ने कहा जिस कमरे में रहते हो उसी कमरे की किसी भी दीवार को यह समझ लो कि यहाँ बिहारी जी खड़े हैं, ये बिहारी जी के मंदिर की ही दीवार है, ऐसा समझ लो और पाठ करो और तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण होगा। अब इनको तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि जहाँ वो रहते थे वहाँ सब साधन, वहाँ एकांत। बोले ये तो बहुत अच्छा समाधान हो गया,
बाबा ने कह दिया कि ठाकुर जी जो कहें वो मान लेना। लेकिन उनके मन में एक बात बार बार आती थी कि हमने उनसे पूछा और वो कहते बाबा से पूछ के बताएंगे, और सवेरे बोले बाबा से हमने पूछ लिया, बाबा की ये आज्ञा है। तो कहाँ गोरखपुर है, कहाँ वृंदावन है, और उस समय मोबाइल के साधन थे नहीं, टेलीफोन भी उपलब्ध था नहीं, बाबा टेलीफोन से बात किसी से करते नहीं थे, उनका तो कोई लेना देना था ही नहीं, वे धन का स्पर्श नहीं करते थे, वे धातु का स्पर्श नहीं करते थे, बाबा तो बाबा ही थे, श्री राधा बाबा। कंधे की हड्डी टूट गई गुरुजी, उन्होंने प्लास्टर नहीं चढ़वाया। हड्डी टूटने पर कितना दर्द होता है फ्रैक्चर पता चलता है, एक भी गोली नहीं खाई, स्नान भी करते रहे, अपना सारा नियम करते रहे, बोले सहन करना है लेकिन हम कोई दवा औषधि नहीं लेंगे, नहीं लिया उन्होंने। ऐसी तितिक्षा थी बाबा में। बाबा कोई सामान्य महात्मा नहीं थे, सन्यास धर्म का अक्षर सह पालन करने वाले संत थे। वो सामान्य महात्मा नहीं थे श्री राधा बाबा। तो महाराज जी, इन नारायण दास जी के मन में ये संदेह हुआ कि ठाकुर जी ने इतने जल्दी जाके कोई आ सकता नहीं गोरखपुर से, टेलीफोन आदि की सुविधा है नहीं, चिट्ठी पत्री भी भेजो तो समय लगेगा आने जाने में, ये रात भर में इन्होंने कैसे पूछ लिया, ये बार बार उनके मन में बात आती। लेकिन उस संकोच में रह जाते कि अब क्या पूछें, काम तो बढ़िया चल ही रहा है। एक दिन ऐसा अवसर मिला कि उन्होंने ठाकुर घनश्याम जी से पूछा कि ठाकुर जी एक बात बताओ, आप गए नहीं आए नहीं, और कोई संपर्क भी साधन भी ऐसा नहीं कि बाबा से संपर्क हो जाए, फिर आपने बाबा से संपर्क कैसे किया? और ये हम अच्छी प्रकार से समझते हैं कि आप जैसे महान साधक झूठ बोल नहीं सकते, ये भी हम समझते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, तो आपने कैसे संपर्क बाबा से स्थापित किया? तो ठाकुर जी के नेत्र भराए, ठाकुर जी ने कहा चलो नारायण भैया तुम जानना ही चाहते तो हम बताते हैं हमने कैसे संपर्क स्थापित किया। तो कपड़े की सर्दी शीतकाल में बाबा के पैर में धारण करने वाली कपड़े की ऐसी सिल करके तैयार, अपने हाथ से तैयार की गई एक कपड़े की जूती जैसी थी, वो बाबा की पहनी हुई पुरानी फटी सी जूती, तो वो जूती ठाकुर घनश्याम जी ले आए थे। तो उन्होंने अपने कक्ष में दिखाया कि ये जो बाबा की पादुका है इसी को मैंने छाती से लगाया, और हमने पूछा कि आप बाबा के चरणों में रहे हो, आप बाबा के स्वरूप ही हो, आप ही बताओ, एक साधक है उसके साधन में विक्षेप है क्या करना चाहिए? बोले यहीं से बाबा बोल पड़े, तो बाबा ने जो बात रात में कही वो हमने सवेरे तुमको बता दी। इसको गुरुजी कहते हैं तादात्म्य। इसका क्या नाम है? तादात्म्य। और ठाकुर जी पूर्ण आनुगत्य के बिना ऐसा तादात्म्य आ नहीं सकता। पूर्ण आनुगत्य, आप किसी भी महापुरुष के हृदय से अनुगत हो जाएं तो ऐसा तादात्म्य हो जाएगा कि आपकी बात उन महापुरुष की बात बन जाएगी। पूर्ण तादात्म्य। अब सुन लीजिए, कथा यहीं पूरी नहीं है, अपना अनुष्ठान पूर्ण करके नारायण भैया जी गीता वाटिका पहुंचे। तो जैसे ही श्री राधा बाबा को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया तो बैठते ही बाबा ने सीधे ही कहा, अच्छा हुआ घनश्याम ठाकुर को हमने जो बताया था वो समाधान तुमने स्वीकार किया और तुम्हारा अनुष्ठान निर्विघ्न पूरा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बाबा ने कह दिया अपनी तरफ से ही कह दिया कि घनश्याम ठाकुर ने हमसे पूछा था तो मैंने उनको कह दिया था कि जहाँ रहते हैं वहीं किसी भी दीवाल को बिहारी जी के मंदिर की दीवाल बिहारी जी समझ करके
क्यों बिहारी जी एक देशी है तो है नहीं, वो सर्वदेशी हैं, इसलिए उनको मान करके करो, वहीं तुम्हारा हो जाए। ये घटना स्वयं नारायण भैया ने दास को सुनाई। कहते कहते वो एकदम सजल हो जाते थे, कहते थे महाराज जी ये मैंने देखा। एक घटना और सुना देते, ये इसलिए सुना रहे हैं कि आपको विश्वास तो आपको है ही है और पक्का हो जाए। एक बरेली में, बरेली एक कस्बा है, शहर है, जिला है उत्तर प्रदेश का, तो बरेली में हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के एक शिष्य रहते थे, उनका नाम श्री ओम प्रकाश अग्रवाल था, और वो कोई जन्मांतरीय संस्कार संपन्न योगी थे। और भगवान शिव के अनन्य उपासक थे, शंकर जी ही इष्ट थे उनके, और शंकर जी के अनन्य उपासक थे वो। तो उनको महाराज जी ने ध्यान में दर्शन दिया था, और ध्यान में दर्शन दे करके उन पर कृपा की और उनको दीक्षा भी प्रदान की ध्यान में, और जैसा महाराज जी ने उनको बताया था उसी अनुसार वो साधन करते थे। और अभी महाराज जी का दर्शन प्रत्यक्ष उनको हुआ नहीं था, ना महाराज जी ने उनको देखा ना उन्होंने महाराज जी को देखा, वो साधन चल रहा है। मंच पे कहने की बात नहीं है, वे रेलवे में एक बाबू के क्लर्क के पद पर नौकरी करते थे, और साधन करते करते उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनके षटचक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण और समाधि, ये सब कुछ उनको प्राप्त हो चुका था, और वे निरंतर अनहद नाद का श्रवण करते रहते थे, ऐसे थे। तो वो एक बार एक ब्रजवासी गिरिराज जी के रहने वाले पंडित गौड़ जी, वो रेलवे के अधिकारी थे, उनके घर में कोई उत्सव था, तो रेलवे के कर्मचारी हिसाब से इनको भी बुलाया। उनके घर में महाराज जी की फोटो थी, तो महाराज जी का चित्र देखकर उन्होंने कहा ये तो गुरु जी है मेरे, आपके गुरु जी कहाँ, आपने कब देखे? बोले हमारा इनका ध्यान में संपर्क हुआ और वहीं इन्होंने कृपा कर दी मेरे ऊपर, मैं इनका शिष्य हूँ, मेरे गुरु जी हैं। तो उन्होंने बताया कि वो सुदामा कुटी रामानंद पुस्तकालय में महाराज जी रहते हैं, पहले गोवर्धन में रहते थे, उन्होंने पता बताया। तो वो यहाँ आए ओम प्रकाश जी, ये मेरे सामने की घटना है। महाराज जी शायद प्रेस में कोई काम था चले गए थे, और वो आकर उन्होंने महाराज जी के आसन को साष्टांग प्रणाम किया, और वहीं पद्मासन से वो बैठकर शांभवी मुद्रा में ध्यानस्थ हो गए, समाधि लग गई उनकी। और महाराज जी थोड़ी देर बाद आए, तो मैंने जो अपनी आँखों से देखा, महाराज जी उसकी ओर देखकर खूब मुस्कुराए और कुछ भावुक से हो गए, और हम कुछ कहना चाहते थे तो महाराज जी शांत रहो, महाराज जी आराम से अपने आसन पर बैठ के अपना काम करने लगे। थोड़ी देर बाद उनका ध्यान खुला, तब उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया। अच्छा, एक बात और उन्होंने विशेष बात बताई, उन महानुभाव ने आते ही हमसे कहा कि आप हमको नहीं जानते हो पर हम आपको जानते हैं, हम तो विद्यार्थी थे, क्या जानते हैं? बोले आप हमारे गुरु भाई हो, हम आपके गुरु भाई हैं। मैंने कहा, मैं मन में सोचा कि इस आदमी को मैं पहली बार देख रहा हूँ, कहता हम आपके गुरु भाई, चलो होंगे। बाद में महाराज जी के पास वो कुछ दिन, दो तीन चार दिन रहे, फिर गिरिराज जी भी गए, सब जगह दर्शन किया। तो महाराज जी को पत्र लिखते थे, तो भगवान महाराज जी भी उनको पत्र उत्तर देते थे,
तो महाराज जी पत्रोत्तर में लिखते थे, भगवान उमावल्लभ आपका सर्वविध कल्याण करें, भगवान सदाशिव आपका मंगल करें, ऐसा महाराज जी लिखते थे। और वो इसी तरह से श्री उमावल्लभो विजयते करके वो महाराज जी से पत्र लिखते थे। शंकर जी के प्रति बड़ी निष्ठा थी उनकी। महाराज जी की कथा भी उन्होंने बरेली में कराई, उस कथा में हम नहीं गए, पर वो आसन रोज लगवाते थे, अलग अलग आसन। जैसे कथा हो रही महाराज जी की तो सामने अलग अलग आसन लगाते थे, बोले ये नारद जी का आसन है, ये ब्रह्मा जी का आसन है, ये शंकर जी का आसन है। और कहते थे आओ लाओ लाओ फूलमाला लाओ, नारद जी आ गए, लाओ शनकादिक भगवान आ गए, और कह करके बड़े भावपूर्वक वहाँ प्रणाम करके माला अर्पित करते थे। हम तो गए नहीं थे, पर हमारे नामारा से एक पंडित जी थे, वो कहते थे महाराज जी को भी ठगने वाले लोग खूब आते हैं, हमको तो लोगों को कुछ दिखता नहीं। कहते नारद जी आ गए, शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, ये क्या मतलब है? महाराज जी के सामने का तो महाराज ने कहा संदेह मत करो, हमें तुम्हें नहीं दिखता पर इसको तो दिखता है। तो एक तादात्म्य वाली बात बता रहे हैं, केवल उसको उस व्यक्ति की महिमा बताने के लिए ये सब बात संक्षेप में कहनी पड़ी। तो एक माता जी अच्छे अंतःकरण की, उन्होंने एक बार रोकर, ओम प्रकाश भगत जी रिटायर्ड हो गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे, उनसे कहा कि आपने जिन गुरुजी की दीक्षा ले रखी है हमको भी ले चलो, उनसे कुछ दीक्षा दिलवा दो जो हम भजन करें साधन करें, हम भी राम नाम की दीक्षा उनसे लेना चाहते हैं, पर क्या करें महाराज, मैं जो है ऐसी घर गृहस्थी में फंसी हूँ कि इससे छुट्टी नहीं मिलती, आप कृपा करके हमारे पति से और सबसे अनुमति दिलवा दीजिए, कभी वृंदावन चलकर हम दीक्षा लेना चाहते हैं। तो उनको रोते हुए देखकर वो भावाविष्ट हो गया ओम प्रकाश भगत, और उसने कहा कि रो मत, गुरु और शिष्य की आत्मा दो नहीं एक हो जाती है। अग्रवाल था वैश्य, बोले गुरु शिष्य की आत्मा दो नहीं एक हो जाती है, लो मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं, जबकि वो दीक्षा विक्षा नहीं देते थे किसी को। उसने तुरंत भावाविष्ट होकर के उस माताजी की कलाई ऐसी पकड़ी जैसे कोई वैद्य नाड़ी देखता है। ये सत्य घटना है गुरुजी। जैसे ही ओम प्रकाश भगत ने उस माताजी की कलाई पकड़ी, कलाई पकड़ते ही संपूर्ण देह में श्री राम तारक मंत्र गूंजने लग गया। वो महाराज उस आनंद को संभाल नहीं पाई, मूर्छित हो गई। अब उसके पति भी ओम प्रकाश जी को बहुत मानते थे, उन्होंने कहा हम आपके पीछे इतने दिनों से लगे हैं, आपने हमें तो कभी कुछ नहीं दिया और इसके ऊपर इतने जल्दी कृपा कर दी। तो उन्होंने कहा कि जैसा चित्त इसका है वैसा चित्त तुम्हारा नहीं है, तुम पहले अपनी भूमिका का निर्माण करो। अब सोचो एक वैश्य, एक गृहस्थ व्यक्ति इतना तादात्म्य स्थापित कर सकता है, तो श्री हनुमान जी महाराज का रघुनाथ जी से पूर्ण तादात्म्य हो जाए, इसमें आपको कौन सा आश्चर्य है? इसलिए समर्थ रघुनाथ जी हैं, भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई समर्थ नहीं है, समर्थ केवल भगवान हैं। इसलिए जय जय रघुवीर समर्थ, ये श्री रामदास जी महाराज ने ये नारा दिया, जय जय रघुवीर समर्थ। समर्थ श्री रघुवीर हैं और उन समर्थ रघुवीर के आप प्राण प्यारे हैं, इसलिए सर्व समर्थ रघुनाथ जी की सामर्थ्य आप में आ चुकी है। सेवक में सेव्य के गुण आ जाते हैं, सेवक में स्वामी के गुण आ जाते हैं। तो समर्थ जो है ना, ये हनुमान जी का गुण नहीं है, ये गुण है रघुनाथ जी का। पर ये रघुनाथ प्यारे, रघुवीर प्यारे हैं, रघुवीर प्यारे हैं इसलिए समर्थ हैं। असुवन समीर के, आप समीर के सुवन हैं,
अब समीर के सुवन कहने की क्या जरूरत थी, समर्थ कह दिया, रघुवीर प्यारे कह दिया, अब समीर सुवन कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई। देखो ये समीर सुवन इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे वायु जो है वो सर्वगत है, बाहर तो है ही है, भीतर भी वायु है, और एक प्रकार की वायु नहीं है, पंच प्राण और पंच उपप्राण, प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये पांच वायु प्राण वायु हो गई, और नाग क्रकलास देवदत्त धनंजय और कूर्म, ये पांच प्रकार के उपप्राण हो गए, और राधा कृष्ण जी विचित्र चमत्कार है कि नहीं, किसी ट्यूब में हवा भरी जाए और छेद हो जाए तो, गुब्बारे में छेद हो जाए तो सब हवा निकल जाएगी, और इतने बड़े बड़े छेद भगवान ने बना दिए हैं फिर भी 10-10 तरह की वायु इसमें भरी हुई है, निकलती नहीं हवा, जब राम जी हवा निकालना चाहते तभी हवा निकलती है, और जब हवा निकल जाती तो लोग कहते ठंडे पड़ गए, ले जाओ जमुना जी, चमत्कार है कि नहीं है? ये तो बड़े बड़े हॉल है ही हैं, छेद है ही हैं, प्रत्येक रोम छिद्र है फिर भी हवा भरी हुई है राम जी की, कैसी कैसी चमत्कृति है। तो जैसे वायु सबके भीतर है सबके बाहर है, ओ वायु को कहीं से कहीं पहुंचने में जैसे किंचित भी समय नहीं लगता, ऐसे ही अपने पिता की सामर्थ्य से युक्त आप हैं। इसका मतलब है हम आपको पुकार रहे हैं तो आपको कहीं से आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो सुवन समीर के हैं, इसलिए सर्वत्र हैं, इसलिए सर्वत्र हैं, फिर भी सर्वत्र होने के बाद भी हम करुण क्रंदन कर रहे हैं, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, ये व्यंजित हो रहा है सुवन समीर के इस भाव से। समरथ सुवन समीर के रघुवीर प्यारे, क्या करें, आ गए हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले अब क्या करें बताओ, तो भियारे, यहां भिया शब्द का अर्थ जो है ना भैया है, भैयारे भियारे, अरे भैया माने बड़े प्यार से हनुमान जी को भैया कह रहे हैं। देखो बहुत प्रेम होता है ना तो मुंह से जब जो निकलता है वही कह दिया जाता है, बहुत ज्यादा प्रेम होने पर ऐसा हो जाता है, तो एक तो ये भी बात है, दूसरी बात यह भी है कि श्री सीताराम जी के प्रति माता पिता का भाव गोस्वामी जी का है, और श्री सीताराम जी के ही पुत्र श्री हनुमान जी हैं, तो बड़े भैया हुए कि नहीं हुए, इसलिए इस नाते से भी कहते भैया हैं, मो पर कीवी तो ही जो कर ले ही भियारे, अरे भैया हमारे ऊपर कुछ कृपा तुमको जो करनी है उसमें समय की प्रतीक्षा मत करो, जो कुछ आपको इस अपने अनुज के प्रति वात्सल्य करना हो, अनुग्रह करना हो, कृपा करनी हो, वह आप अभी कर लो, अभी कर लो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कावर सा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अभी कलयुग हमको पीड़ित कर रहा है, अभी हम परेशान हो रहे हैं, काशी के उपद्रवी तत्व भी कभी भैरव को भेजते हैं, कभी काली को भेजते हैं, ये भी तंत्र मंत्र मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन आदि के प्रयोग हमारे ऊपर ही कर रहे हैं, कलयुग भी हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा है और हम पीड़ित हो रहे हैं, तो इस समय आप कृपा नहीं करेंगे तो कब करेंगे, इसलिए जो कृपा आपको करनी हो वो आप अभी कर लो। हनुमान जी बोले हमारी कृपा से क्या होगा, अरे बोले हमें पता है आपकी कृपा से क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा आपकी कृपा से, क्या नहीं हो सकता है, तेरी महिमा ते चले चिंचिनी चियारे। संस्कृत में चिंचिणी कहते हैं इमली को,
इमली को छिंचणी कहते हैं, और छिंचणी का जो फली होती है बीज, इमली, इमली की फली होती ना, उस इमली की, देखो इमली का नाम लेती मुंह में पानी आ जाता, क्या विचित्र भगवान की लीला है। जैसे हमको छिंचनी चिया की याद आई तो मुंह में थोड़ा सा पानी आ गया, क्या विचित्र भगवान की लीला है, सारे रस इस जिह्वा में ही हैं। इमली खट्टी होती है और जब पक जाती है वो, तो फिर उसका शरबत बड़ा बढ़िया बनता है, इमली का शरबत, और गुड़ डाल करके, गुड़ में घोल करके इमली का, पकी हुई इमली को गुड़ में मसल करके, और थोड़ा उसमें काली मिर्च डाल दो, थोड़ी सौंठ डाल दो, आ हा हा क्या कहना। इसके बाद फिर आप उस शरबत के साथ रोटी पाओ तो बहुत अच्छी लगती है, और लू भी नहीं लगती ऐसा सुना है। तो उस इमली का जो बीज निकलता है उसको चिया कहते हैं, इमली के बीज को चिया कहते हैं, और चिया को तोड़ लेते हैं ऐसे, तो उसके दो फांक हो जाते हैं, और जब उसके दो फांक हो जाते हैं तो गांव में लोग कुछ खेलते हैं, अष्टाचंगला वगैरह जो है वो उससे खेले जाते हैं, ऐसे खेलते हैं। तो वो हमें तो याद नहीं है कि कितने आए, कितने आए कितने गए, ये सब हमारे गंगादास ये सब खेलना बहुत अच्छा जानते हैं। तो वो चिया जो है उनको दो फांक कर दी जाती है, और उसको ऐसे जब डालते हैं तो उसमें कुछ पट्ट हो जाते हैं, कुछ चित्त हो जाते हैं, उसी से पता लगाया जाता कि कितने, क्या कहते हैं उसको, कितने नंबर आए, ऐसा बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, दो आए कि चार आए कि छः, अष्टा चंगला क्या आया, ये सब उसमें समझा जाता है, वो खेल आप सब जानते हैं। तो वो जो इमली का बीज होता है उसको चिया कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि आपकी महिमा मुझे अज्ञात नहीं है, हम आपकी महिमा जानते हैं, आपकी कृपा हो जाए ना तो स्वर्ण मुद्राओं की जितनी कीमत है उसी कीमत में इमली के बीज चल जाएंगे, चिया चल जाएंगे। लोग तो ये कहते हैं कि महाराज आपकी दया से ये खोटा सिक्का भी चल गया, ऐसा लोग कहते हैं ना गुरुजी से, संतों से, हम तो खोटे सिक्के हैं पर चल गए हैं, ये कहा जाता है खोटे सिक्के चल गए। श्री गोसाई विठलनाथ जी गोकुल में विराज रहे थे, और छीत स्वामी जी जो छीतू चौबे मथुरा के, उनको चढ़ा दिया चतुर्वेदियों ने, अरे बोले दक्षिणते आयो ये गोसाई, गोसाई कहें वाते, सबरे ब्रजवासिन ने मूड़ रहो है, सबन ने चेला बनाए रहो है, अरे गुरु हमारे तुम्हारे हैते भे, तो ये दूसरे गांव को आए के यहाँ झंडा गाड़े पुजावे, ये कैसे हम सह सकें, चाहो चलो वहाँ को झंडा उखाड़ें, सद्भाव लेके नहीं आए थे, बूटी छान करके दाऊ जी वाली भंग वगैरह, और फिर गए ब्रजवासी थोपा चंदन लगा के, एक खोटा एक सड़ा नारियल, खोटा नारियल और एक खोटा सिक्का, एक प्रकार से ये उनका अपमान ही था। तो खोटा सिक्का और एक एकदम सूखा सड़ा नारियल, वो नारियल गोसाई जी के चरणों में भेंट किया, गोसाई जी के चरणों से स्पर्श होते ही नारियल तो एकदम बढ़िया सजल ताजा नारियल हो गया, और उस सिक्के को उन्होंने दे दिया, बोले जाओ इसका इतना अमनिया सामग्री लेकर ठाकुर जी की सेवा में इसको लगा दो, उसके छुट्टे ले आओ तो खुले ले आओ। तो अब खोटा सिक्का चल गया, और जो किसी योग्य नहीं था वो एकदम तरोताजा नया हो गया, और बस आपने समर्पण कर दिया, भई अब गिरधर सो पहचान। यह है गुरु गोविंद की महिमा। खरा सिक्का तो सब जगह चलेगा,
पर खोटे से खोटा संतों के दरबार में, गुरुजी के दरबार में चल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, खोटे सिक्का चलने वाली बात तो है, अरे आपकी महिमा तो ऐसी है कि जो सिक्का है ही नहीं, चिया इमली के बीज, वो इमली के बीज भी सिक्कों में चल जाते हैं, सोने की मोहरों में चल जाते हैं, आपकी कृपा ऐसी है, आपकी कृपा पर ऐसा भरोसा है। और भगवान ऐसी अचिंत्य सामर्थ्य होते हुए भी, ऐसी महिमा आपकी होते हुए भी, अंधियारो मेरी बार क्यों त्रिभुवन उजियारे। आह क्या प्यारी बात है, जो त्रिभुवन के उजियारे हों तो क्या आपने हमें त्रिभुवन से बाहर समझ लिया है क्या है? अरे हम भक्त नहीं हैं, साधु नहीं हैं, साधक नहीं हैं, संत नहीं हैं, त्रिभुवन में तो हैं। जब त्रिभुवन को उजाला देने वाले आप हैं तो इस तुलसीदास को अंधेरे में आपने क्यों रखा है? मेरे अज्ञानांधकार की निवृत्ति आप क्यों नहीं कर रहे? हे त्रिभुवन उजियारे, आप कृपा करके हमारे अंधकार को दूर कीजिए। हमारे सामने अंधेरा छाया हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है, इसका आशय क्या है? महाराज जी, इसका आशय ये है कि हम यह विचार कर रहे हैं कि बाल्यकाल से जिस तुलसीदास के ऊपर इतना अनुग्रह कि जन्मते ही राम नाम का उच्चारण किया, फिर भगवती पार्वती ने पायस जिसको खिलाया, शिवजी की कृपा हुई और समर्थ सद्गुरु श्री नरहरि आनंद जी महाराज के चरण मिले, और इसके बाद काशी में हनुमत दर्शन हुआ, फिर चित्रकूट में तीन तीन बार राम दर्शन हुआ, श्री राम नाम का जप हुआ नौ नौ का, और श्री रामचरितमानस जैसे अपूर्व ग्रंथ का प्रणयन हुआ, और इतने के बाद भी कलयुग सता रहा है, कलयुग के दोष उपद्रव कर रहे हैं, तो यह विचार करके मेरे सामने अंधेरा छा रहा है। ध्यान में आई बात? जब मेरे जैसी की यह दशा है तो सामान्य जीवों की स्थिति क्या होगी? इसलिए यदि आपने मेरा दुख दूर नहीं किया, आपने मेरा अंधेरा दूर नहीं किया, तो सब साधक हताश निराश हो जाएंगे, फिर कोई न राम जी को भजेगा ना आपको भजेगा। ये ध्वनि है, राम जी को आपको भजेंगे ही तब जब आप इसका अंधकार दूर कर देंगे। तो हमारा अंधकार दूर कर देंगे तो हम सबको कहेंगे, अरे देखो हमारे भीतर कितना अंधकार था, हमारा अंधकार दूर हुआ तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा? जिस साधन से हमें लाभ मिला है उस साधन के संबंध में हम अत्यंत विश्वासपूर्वक आपको कह सकते हैं, और जो केवल सुनी सुनाई बात है, पढ़ी पढ़ाई बात है, उसके बारे में हम बहुत विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते, पर जो अनुभूति में आ गई उस पर हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। जैसे एक बात हम अत्यंत 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 विश्वासपूर्वक कह सकते हैं, क्योंकि वह हमारे अनुभव में भगवत कृपा से आती है। वो केवल बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, इतनी सी ही बात है, भगवान का जीव पर सर्वोपरि अनुग्रह है महत्पुरुष की चरण सन्निधि की प्राप्ति। इसलिए हमारे जीवन में जो भी दोष दुर्गुण हैं वो हमारे अपने जन्मांतरीय संस्कारों के कारण हैं, अपनी मलिनता के कारण हैं। जो कुछ अणु मात्र भी कोई अच्छाई दिख रही है यह केवल और केवल समर्थ सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी की चरण सन्निधि की महिमा है और कुछ भी नहीं है, केवल और केवल महदाश्रय। हमको लाभ हुआ है इसलिए हम बहुत विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि भगवान की इससे बड़ी और कोई दूसरी कृपा नहीं।
गुरुदेव का आश्रय प्राप्त हो। इससे बड़ी और कोई बात नहीं। महाराज जी ने हमसे कहा कि पंडित जी तुम काशी चले जाओ पढ़ने के लिए, सतुआ बाबा का स्थान है, वहाँ एक श्री ओंकार दास जी उस समय वहाँ व्यवस्था संभालते थे, और यहाँ से महाराज जी के पास से गई थे वहाँ, बहुत पुरानी बात है, तो वो महाराज जी से व्याकरण पढ़े थे, तो वहाँ के व्यवस्थापक हो गए, तो उन्होंने अपने महाराज जी से चर्चा कर ली। उन्होंने कहा कोई सेवा नहीं, एक कमरा मिल जाएगा और प्रेम से खाली पढ़ें बस। वहाँ से पत्र आ गया, स्वीकृति हो गई, महाराज जी ने कहा ठीक है। जैसे ही जाने का निश्चय हुआ सोई हम रोने लगे। महाराज ने कहा रो क्यों रहे हो? हमने कहा महाराज जी काशी में पढ़ तो जाएंगे कुछ जरूर, लेकिन आपकी सन्निधि वहाँ नहीं मिलेगी, इसलिए हम न पढ़ें ये तो हम सहन करेंगे, लेकिन आपसे दूर रहना हमको अच्छा नहीं लगता, हम आपसे दूर नहीं हो सकते। रो गए। महाराज जी हंसने लगे, बोले जो है सो की बावरे, ऐसे रो रहे हो तुम, ये ठीक नहीं है। अरे भाई यहाँ रहोगे तो खाली नाम के पंडित रह जाओगे, काशी की का ठप्पा लग जाएगा तो वस्तुतः पंडित हो जाओगे, तो पंडित बनना हो तो काशी चले जाओ, और पंडित नहीं बनना हो तो यहीं रहे आओ। हमने कहा महाराज जी हमको तो जितना आपकी कृपा से मिल जाएगा उतने से ही हम खूब संतुष्ट हैं, हमको ज़्यादा कुछ मन में ज़्यादा उखाड़ पछाड़ नहीं है कि ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए, ज़्यादा नहीं, यहीं ठीक नहीं गए। रूपनदेही जिला में नेपाल में परम श्रद्धेय पूज्य श्री बिंधेश्वरी प्रसाद जी ब्रह्मचारी जी विराजते थे। महाराज जी से कभी कभी पत्राचार होता था, तो महाराज जी ने एक बार वहाँ भेजने का हमको मन किया कि वहाँ कुछ व्याकरण भी पढ़ें, कुछ स्रौत विषय भी पढ़ लें, वहाँ जाने का हो गया। वहाँ भी दास ने यही कहा सब कुछ हो जाएगा, आपके चरण नहीं मिलेंगे। अब जो बात हम कहना चाहते वो हम कह रहे हैं, मान लो हम काशी भी चले जाते और वहाँ नेपाल भी चले जाते और नहीं पढ़ पाए, अच्छी तरह से पढ़ भी लेते तो शायद संतों के चरणों में फिर नहीं रहते। पता नहीं हमारे संस्कार हमें कहाँ ले जाते। पर मूर्ख रह गए ये ठीक है, पर महाराज जी के चरण मिल गए ये जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। कोई कहे कि तुम्हें अपने जीवन में क्या मिला, तो हमें अपने जीवन में श्री गुरुदेव भगवान के चरण मिले, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मिल गए चरण, इससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। भगवत दर्शन की व्याकुलता होनी चाहिए हमारे में नहीं है, मलिन हृदय है या तो ये समझो, या फिर ये समझ लीजिए हमको अपने मन में कई बार ऐसा लगता है कि भगवान के जितने दिव्य गुण हैं वे सारे गुण तो हमको महाराज जी में दिखाई पड़े, तो हमको तो भगवान की साक्षात सन्निधि मिली, उनके चरणों में रहने को मिला, उनका चरणामृत, उनकी चरणरज, उनका अधरामृत हमको पाने को मिला, तो हम किस लिए व्याकुल हों भाई, हमें तो रघुनाथ जी हमारे गुरुदेव के रूप में हमको मिल गए। ये बात बार बार मन के भीतर से आती है। इसलिए जिस साधन से आपको लाभ नहीं हुआ उस साधन के संबंध में आप किसी को पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया बताएंगे तो उससे कोई विशेष लाभ होने का नहीं, विशेष लाभ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आप मेरे अंधकार को दूर कर देंगे ना तो मैं सब में प्रचार करूंगा, देखो हम भी ऐसे अंधेरे में थे और ऐसी ऐसी कृपा हुई तो मेरा अंधकार दूर हुआ। तो उससे और नहीं तो साधक जगत में निराशा छा जाएगी, अंधकार छा जाएगा, लोग कहेंगे बताओ इतने बड़े तुलसीदास जी के साथ तो ये हो रहा है, तो हम तुम किस खेत की मूली हैं, फिर लोग तो भक्ति पथ ही छोड़ देंगे,
इसलिए यदि जीवों को भक्ति पथ पर चलाकर आप रखना चाहते हो तो मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। क्या सुंदर भाव है गोस्वामी जी का। अब आगे कह रहे हैं कि केहि करनी जन जान के सम्मान कियारे, केहि अघ अवगुण आपने करी डार दिया रे। हे हनुमान जी महाराज, आप पहले ये बताओ कि पहले हमारे में ऐसे कौन से बड़े भारी गुण थे, कौन से चार चांद लगे हुए थे हमारे में कि आपने कृपा का बिल्कुल भंडार ही खोल दिया, हर बात पर आपने प्रकट होके दर्शन दिया कृपा की, तो उस समय आपने अपना के रखा। अब कौन से दोष हमारे में आ गए जिससे करते डार दिया रे, अब तक तो हाथ पकड़ के रखा, अब कहाँ से इस भव सागर में हम बह रहे थे तो हाथ पकड़ के बीच तक तो ले आए और जैसे ही बीच में आए ये हाथ छोड़ दिया। किनारे किनारे तो कोई बात नहीं थी, हम भी कुछ न कुछ बचने का प्रयास करते, लेकिन बीच मझधार में आपने हमारा हाथ छोड़ दिया, बीच में धोखा दे दिया, ये तो बात समझ में नहीं आती है। इसका आशय ये है कि पहले में हमारे में कौन विशेषता थी, अब कौन सा दुर्गुण आ गया। माने ना तो पहले कोई विशेषता थी और ना आज कोई विशेषता है, हम तो जैसे हैं दोषों के खजाने, वैसे ही पहले थे वैसे ही आज भी हैं। दोषों का खजाना पहले भी थे, दोषों का खजाना आज भी है। तो यदि दोष ही आपकी दृष्टि में हमारे थे तो पहले ही आपको हमारा हाथ पकड़ना नहीं चाहिए था, और अब दोषी व्यक्ति का हाथ पकड़ ही लिया है तो निर्वाह आप ही कर ली। क्या सुंदर भाव है, कैसी अद्भुत प्रार्थना है। आप कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक गोस्वामी जी का दोहा है महाराज जी, बड़ा प्यारा दोहा है, प्यासी को तो याद होगा। तुलसी बांह गरीब की, तुलसी बांह गरीब की, जो धोखेहु छुई जाए आप जन्म भर पाली है लरिकन सो कही जाए, आप जन्म प्रतिपाली है लरिकन सो कही जाए। सज्जन पुरुष होते कैसे हैं, हाँ कोई है? सीताराम, सज्जन पुरुष कैसे होते हैं, अपने ध्यान से कथा सुनो आनंद से। सज्जन पुरुष होते कैसे हैं, धोखे से किसी गरीब आदमी का हाथ छू गया माने पकड़ लिया, तुलसी बांह गरीब की जो धोखे छुई जाए। अब उस व्यक्ति में बहुत से दोष हैं लेकिन हाथ पकड़ के रखा है, अब बहुत से दोष उस व्यक्ति में हैं लेकिन जब एक बार हाथ पकड़ लिया तो अब छोड़ना नहीं। इसलिए हरि गुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ, क्योंकि हरि गुरु ये छोड़ना नहीं जानते, ये तो केवल स्वीकार करना ही जानते, छोड़ना नहीं जानते, त्यागना इनको नहीं आता। आज जो त्यागता है फिर उसमें कुछ न कुछ किंतु परंतु लगानी पड़ेगी, हाँ त्यागना नहीं। महाराज जी के सामने कोई बात आई, महाराज जी ने कहा पंडित जी आपने अपने आप को बहुत अच्छा मान रखा है इसलिए आपको दूसरे लोगों के दोष दिखाई पड़ रहे हैं, अपने कौन अच्छे हैं जो अपने को अच्छे लोग मिलेंगे, इसलिए जो हैं
इन्हीं में भगवत भाव करो, सबके साथ निर्वाह करो। ये महाराज जी ने समाधान दिया, निर्वाह करो। तो तुलसी बांह गरीब की जो धोखी छुई जाए, क्या करते हैं वे? बोले उस गरीब में दोष होने पर भी आप जन्म प्रतिपाल हैं, जन्म भर तक प्रतिपालन करते हैं, निर्वाह करते हैं, और जब मरणासन्न होते हैं तो उनके लड़के बच्चे पास में होते हैं तो उनसे कहते हैं, देखो उस गरीब को हमने हाथ पकड़ा था, हमने उसको अमुक अमुक चीज दी है, कहीं तुम्हारी बुद्धि खराब हो तो छीनना मत, क्योंकि मैंने उस पर कृपा की है, तुम लोग ध्यान रखना। मरते समय भी बच्चों से कह के जाता है कि उसका ध्यान रखना। सज्जन पुरुष ऐसे होते हैं। फिर आप तो सज्जन सिरमौर हैं, आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं, आपसे बड़ा साधु कोई नहीं, आपसे बड़ा गुरु कोई नहीं, आपसे बड़ा महात्मा कोई नहीं, आपसे बड़ा राम जी का सेवक कोई नहीं, आपके जैसा समर्थ कोई नहीं, आपके जैसा रघुवीर प्यारा कोई नहीं। तो फिर आपने हमारा हाथ पकड़ लिया, फिर पकड़ने के बाद आप बीच मझधार में छोड़ रहे हो, इसमें हमारी तो कुछ नहीं है, आपकी बात जाएगी, हमारा क्या जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। हरिराम बाबा ने एक पद में कहा है, घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, आपको अपना बनाने के बाद भी, यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीर्ति भी तेरी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीर्ति भी तेरी होगी। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। वही भाव है। तो हे भगवन, अब एक प्रार्थना है कि कही करनी जन जान के सन्मान किया रे। पहले हमारी कौन सी ऐसी करनी आपको अच्छी लगी, आपने हमारा इतना आदर किया, इतना प्रेम किया, इतना सम्मान किया। और कही अघ अवगुण आपने करी डारी दिया रे। किस दोष के कारण आपने हमको अपने हाथ से अलग कर दिया, छिटका दिया। हे भगवान, आप यह समझते हो कि अब समय आने पर तुम भी बदल गए हो, उन पुराने दिनों को याद करो, जब मानत हो चार फल चार ही चणक को, उन दिन को भूल गए हो, चाटत रहो स्वान पातर ज्यों, कबू न पेट भरो, सो हो चाखत नाम सुधारस पेखत परसु धरो, भरो सो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु कलि कल्याण फरो। ऐसा नहीं, हम भूले नहीं। देखो महापुरुष होते कैसे हैं, उदेति सविता रक्ता रक्तमेवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदीयमान सूर्य लाल होते हैं और अस्ताचल में जाने वाले सूर्य भी लाल होते हैं। महापुरुष जो होते हैं वो विपत्ति संपत्ति में एक जैसे, उनमें बदलाव नहीं होता है। ऐसा नहीं कि दो पैसा आ गए तो अब बड़े सेठ हो गए तो अब पुराने दिन भूल जाएं। पुराने दिन भूलते नहीं हैं भगवान। पुराने दिन भूल जाएंगे तो अहंकार आ जाएगा, हैं,
हम पुराने दिन भूलने वाले नहीं हैं, हैं पुराने दिन याद रहेंगे तो ही आपकी कृपा का अनुसंधान होगा, तो ही आपकी कृपा का चिंतन होगा। खाई खोची मांगी ले, मांगी मैं तेरो नाम लिया रे, इसको खोच कहते हैं, खोच खोच भर के। गोस्वामी जी कहते हैं खाई खोची मांगी मैं, अपने बचपन में ऐसे हाथ फैला फैला करके मैंने भूख से व्याकुल होकर के अन्न मांगा। आपका नाम लेते हुए बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांग खाती टूक टाक हो, पर्यो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय, मोह वस बैठो तोरी तरक तराको, खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, अंजनी कुमार सोध्यो राम पनिपाक हो। तुलसी गुसाई भयो भौड़े दिन भूल गयो, ताको फल पावक पावत निदान परिपाक हो। बाहुक में गोस्वामी जी ने कहा है, महाराज ऐसे मांग मांग करके मैंने पेट भरा है आपका नाम लेकर के, और हे हनुमान जी तेरे बल बलि आजुलो, मैं बलि जाता हूँ, आपकी बलिया लेता हूँ, बलिहारी जाता हूँ। हे हनुमान जी अब तक जो कुछ जीवन चला है ना, आपकी कृपा करुणा के सहारे ही चला है। आपने सहारा न दिया होता तो हम तो कितनी बार मर चुके होते। आज जो जी रहे हैं, आज जो श्वास चल रही है, वो आपकी कृपा से चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम पुराने दिन भूल गए हों या आपकी कृपा को हमने भुला दिया हो, ऐसा नहीं है। हमें प्रभु आपकी कृपा का निरंतर स्मरण हो रहा है। जग जाग जिया रे, जग जाग जिया रे माने पूरे संसार में आपके बल से ही मैं प्रसिद्ध हो गया। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को लोग साधु कहने लग गए, महात्मा तुलसीदास कहने लग गए, ये अपना बल नहीं था, ये आपकी कृपा का बल। अब तक जी रहा हूं, अब तक उजागर हो रहा हूं आपकी कृपा से, मैं अपने साधन का बल नहीं। इसलिए हे भगवन अब एक मेरी प्रार्थना है, कई बार मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है, वो कृतघ्न हो जाता है। जिसकी कृपा जिसकी करुणा उसको प्राप्त हुई है उसको बिल्कुल भुला देता, नकार देता है। इसमें कृपा करने वाला करुणा करने वाला हेतु नहीं है, उस व्यक्ति का स्वयं का ही दोष उसमें कारण है, क्योंकि वह कृतज्ञता खो चुका है, कृतघ्न हो चुका है। लेकिन हे भगवान मैं आपसे पूछता हूं, माता पिता के पुत्र के प्रति कितने उपकार होते हैं, अनंत उपकार होते महाराज जी। भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव देवकी को जब कारागार से मुक्त किया तो भगवान ने कहा सैकड़ों वर्षों की आयु लेकर पुत्र अपने पिता माता की सेवा करे तो भी वो माता पिता के ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। पित्रोर मर्त्य शतायुषा, और यहां तक कहा कि अपने पिता माता गुरु ब्राह्मण इनकी सेवा नहीं करता वो जीता हुआ मुर्दा है, श्वसन मृता श्वास लेता हुआ मुर्दा है वो। ऐसे लोगों के लिए लिखा वो नरक जाते हैं, यमदूत उनका उनके शरीर का मांस ही उनको खिलाते हैं कि माता पिता ने अपना पेट काट कर तुम्हारा पोषण किया और तुम इतने कृतघ्न हो गए। तो पुत्र अपने पिता माता के उपकार से उर्ण नहीं हो सकता, गुरु के उपकार से शिष्य उर्ण नहीं हो सकता,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुत्र बुद्धि खराब होती है तो वो कृतघ्न हो जाता है, शिष्य भी कई बार उपकार भूलकर कृतघ्न हो जाता है। पर कृतघ्न पुत्र अथवा कृतघ्न शिष्य को क्या वात्सल्य परिपूरित हृदय वाले माता पिता क्या उसका मुंह नहीं देखते हैं? क्या ऐसे शिष्य का मुंह गुरु नहीं देखते हैं? वो ऐसे शिष्य पर भी कृपा करते हैं, ऐसे पुत्र पर भी कृपा करते हैं, हैं? इसलिए कहा गया अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतिम हरे कृपया केवल मात्म सात गुरु। हम तो अपराध सहस्र भाजन हैं, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशम मया दासो यमिति माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। तो भगवान कृतघ्न व्यक्ति कृतघ्न पुत्र अथवा कृतघ्न शिष्य जो अपना परिवार का है, अपना निकट संबंधी है, कथनचित वह दोषयुक्त भी हो जाए, कृतघ्न भी हो जाए, तो भी दयालु पुरुष ऐसा नहीं कहते जाओ तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते हम, भले ऊपर से थोड़ी कठोरता करके एक बार कह दें लेकिन फिर भी कहेंगे मुंह नहीं देखना चाहते, ये तो कह देंगे, फिर कहेंगे वह कैसा है वह कैसा है, अरे भाई उसको भटकने मत दो, अरे उसको समझा बुझा के ले आओ, अरे भाई कैसा है, और पता नहीं कहाँ का कहाँ जाएगा, पता नहीं उसका क्या होगा। देखो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, अनंत जन्मों के माता पिताओं के हृदय में जो वात्सल्य होता है उससे भी कई गुना अधिक वात्सल्य गुरुजनों का जीवों के प्रति होता है। पर क्या करें, हम लोग गुरुजनों के अंतःकरण को समझते ही नहीं। तो यही बात कह रहे हैं कि हे भगवन जो तो सो हो तो फिरो, मैं आपसे विमुख हो गया फिरो, मेरो हे तू ही आ रे, तो उसमें मेरा हृदय ही कारण है, मेरा अपना दोष ही कारण है, तो क्यों बदन दिखाव तो कही बचन यारे। हे भगवान तो मैं अपना मुंह कैसे दिखाता, इसका मतलब है ऐसे कृतघ्न पुरुष का भी त्याग नहीं करते हैं पिता माता, अर्थात हमें कोई दोष भी आ गया है तो आप ठुकराइए मत, आप हमें अपना ही लीजिए। तो सो ज्ञान निधान को सर्वज्ञ बियारे, हो समुझत साईं द्रोह की गति छार छियारे। हे भगवन आपके जैसा ज्ञान निधान और कोई दूसरा नहीं है। ये ज्ञान निधान कहने का भाव क्या है? ज्ञान निधान कहने का भाव महाराज जी ये है कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति ज्ञान से ही संभव है। अज्ञान जब तक रहेगा तब तक दुख तो रहेगा, वो अज्ञान की निवृत्ति हो गई, और ज्ञान तो नित्य है ही है, आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, तो अज्ञानेना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, अज्ञान का आवरण हटा और ज्ञान प्रकट हो गया, ज्ञान प्रकट होते ही बात बन गई। तो हे भगवान आपके जैसा ज्ञान निधान और कोई दूसरा तो है नहीं, आपके जैसे ज्ञान निधान भी आप ही हैं, तो क्या मेरे दुख को दूर करने के लिए क्या आप मेरे अज्ञान को दूर नहीं कर सकते? आप मेरे दुख को मिटाने के लिए मेरे अज्ञान का समूल विनाश कर दीजिए। हे भगवान आप सर्वज्ञ हैं, आपके जैसा ज्ञान निधान सर्वज्ञ बिया, बिया माने दूसरा कोई नहीं है आपके जैसा, आपके जैसे ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम आप ही हैं। हे भगवान हमारे जीवन में जो कुछ उपद्रव हो रहा है, दुख क्लेश आ रहा है, उसका कारण भी मुझे ज्ञात है। हनुमान जी ने पूछा क्या कारण है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हम ये बात अच्छी प्रकार से समझते हैं। हो समुझत, हो माने मैं समझता हूँ, अच्छी प्रकार से समझता हूँ,
के साई द्रोह की गति छार छियारे। साई द्रोह करने वाले का तो सर्वनाश हो ही जाता है, उसको तो वो तो खाक में मिल ही जाएगा, राख में मिल जाएगा। तो महाराज हमारे स्वामी श्री रघुनाथ जी ने जैसी कृपा हमारे ऊपर की, वैसी कृतज्ञता में उनके चरणों में ज्ञापित नहीं कर पाया। इसी को कहते हैं महाराज जी प्रेम, इसी को कहते हैं भक्ति। क्या गोस्वामी जी की जैसी कृतज्ञता को ज्ञापित कोई कर सकता है? पर यही प्रेम का वैशिष्ट्य, उनको लगता है रघुनाथ जी ने जितनी कृपा हमारे ऊपर की है, हमने हम उस प्रकार से राम जी के प्रति भाव नहीं कर पाए। महाराज जी दक्षिण भारत में एक महापुरुष हुए, स्वामी लक्ष्मी नारायणाचार्य जी महाराज, श्री रामानुज संप्रदाय के थे। एक बार वो कृतज्ञता के ऊपर चिंतन करने लगे, तो चिंतन करते करते उनके मन में आया कि कुत्ता अपने मालिक के प्रति जितना कृतज्ञ होता है, हम भगवान के प्रति उतने भी कृतज्ञ नहीं हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए? कुत्ता अपने स्वामी के प्रति इतना कृतज्ञ होता है, तो मैं मनुष्य हूं, मुझे कितना कृतज्ञ होना चाहिए? ये उसके महाराज जी मन में आया, उनके मन में आया। एक मठ के आचार्य थे, वो जगतगुरु थे महाराज, पर इस भाव के जगते ही उन्होंने तत्काल मठ त्याग दिया और कावेरी के तट पर एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठ गए। और उन्होंने कहा, मनुष्य जैसी कृतज्ञता तो मुझ में है नहीं, मैं कुत्ते से अभ्यास करता हूँ, कुत्ते जैसी कृतज्ञता तो प्रभु के प्रति रखूँ। अपने को उन्होंने कुत्ता मान लिया। पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म, षडंग वेद का ज्ञान था उनको, और उन्होंने स्वीकार कर लिया, मैं श्री रंगनाथ भगवान का कुत्ता हूँ। और ऐसे बैठ गए महाराज, कुत्ता जैसे बैठता ना ऐसे बैठ गए इमली के नीचे। लोगों ने सोचा गुरुजी के दिमाग गर्म तो नहीं हो गया, चलें गुरुजी को बुला के लावें, मठ छोड़ के सिंहासन छोड़ के यहाँ क्यों बैठे हो पेड़ के नीचे? तो जैसे ही लोग निकट पहुँचे और उन्होंने पूछा उनसे कि आपको हो क्या गया, आप बिना बताए यहाँ चले आए, यहाँ बैठे हैं? तो उन्होंने किया भों 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 भों, अरे भौंकने लगे वो। उनको सबको चेलों को हो गया कि गुरुजी को कभी किसी पागल कुत्ते ने काटा होगा और वही जहर व्याप्त तो हो गया, इसलिए मरने वाला कुत्ता जिसको काट जाता है जहर चढ़ता भौंकने लग जाता है। ऐसे होते चेला, सावधान हो जाओ चेलों से। सब चेला भग गए, बोले भैया मठ संभालो, गुरुजी तो अब मरेंगे, कहीं किसी को काट लिया तो भी भौंकने लग जाएगा। सब गुरुजी को छोड़ के चले गए, अकेले हो गए। देखो जब तक अपनी जाति का, अपने ज्ञान का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का अहंकार रहा आया, तब तक संसार से संबंध विच्छेद नहीं हुआ। और जब यह भाव आ गया कि मैं भगवान का कुत्ता हूं, तो संसार का संबंध खत्म हो गया महाराज, सारा संसार समाप्त हो गया। ईमानदारी से भगवत संबंध हम स्वीकार कहां कर पाते हैं? और बस रोते हुए भगवान का कुत्ता हूं, अब खाएंगे तो भगवान का अधरामृत प्रसाद ही लेंगे। महाराज जी एक दिन में ही भगवत प्राप्ति हो गई। शयन के बाद श्री रंगनाथ भगवान पधारे और आकर के भगवान ने अपने अधर से कुछ खा करके इनको टुकड़ा दिया और अपना कर कमल इनके मस्तक पर पधराया और इन महापुरुष को सदैव वैकुंठ की प्राप्ति हुई। भगवान के प्रति कितनी कृतज्ञता का भाव हमारे मन में होना चाहिए, संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति कितनी कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, वो कृतज्ञता का भाव हमारे में कहाँ है? कुत्ते जैसी कृतज्ञता भी तो हमारे भीतर नहीं है। यह है गोस्वामी जी का दैन्य। कहते महाराज हमने स्वामी से द्रोह किया है और स्वामी से द्रोह करने वाले सेवक का तो सर्वनाश होना ही है, हम अपने ही पाप का परिणाम भोग रहे हैं। हे रघुनाथ जी आपका भी इसमें दोष नहीं है और हनुमान जी महाराज आप भी इसमें दोषी नहीं है, दोषी तो हम ही हैं।
अब अंतिम बात कह रहे हैं, तेरे स्वामी राम से स्वामिनी सियारे।